आज भी पढ़ ली है और अनुषा स्कूल से आती होगी। और ये देखिए मुझे चिपक चिपक के लेटते हैं ये। अनुषा का इंतज़ार कर रही हूँ बस, तब वो आएगी तो उसको खाना दूंगी। फिर नींद आ रही है, थोड़ी देर सोऊंगी। और गर्मी आ गई है, अब सब्जियाँ समझ नहीं आती क्या बनाओ क्या बनाओ रोज़ करो। और सर्दियों में ना इतनी सब्जियाँ होती है, इतनी हरी भरी सब्जियाँ होती हैं कि बस कुछ ना कुछ रोज़ का मतलब सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, बस रोज़ की नई सब्ज़ी होती है। और गर्मियों में वही लौकी गोभी घूम घूम कर बस यही बनाते रहो। इतना दिमाग ख़राब हो रहा है क्या बनाओ क्या बनाओ, सच में ना बहुत ज़्यादा कभी कभी इतना गुस्सा आता है बनाने के नाम से। ये भी एक ना टेंशन है रोज़ की कि हाँ कुछ क्या बनाना है, बस बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। अब सोच रही हूँ शाम को क्या बनाना है। आपका तो हो गया। अनुषा क्या खा रही है? फिंगर क्यों मंगाती है तेने? और साथ में उसके पापा भी खा रहे हैं, तुम्हें पसंद है? हाँ इतने ज़्यादा खाती है ना ये। और ये मेरी किंजू की तबीयत ख़राब है, पता नहीं इसके हाथ में क्या हो गया है। हल्दी लगा देती हूँ, दूसरा वाला ये नहीं है, वो तो छूने भी नहीं वाले। हाँ सो रहा, चलो आराम करने देते हैं वरना उड़ जाएगा, दर्द ज़्यादा हो रहा है इसके। अनुषा कह रही हो गया बस हो गया खाने दो। वीडियो बना लो ना जी खाते टाइम, तो बस ये ऐसी हो जाती है। अब मैं भी ऐसी रखूँगी, कब तक नहीं खाएगी तब बनाऊँगी ना तब तक नहीं खाएगी, इतने पापे ख़त्म कर देंगे है ना। बस वो ऐसे देख ले मैं बस। हटाना हाथ, ये देखो कितने प्यार से पट्टी कराकर सो रहा है, सो नहीं रहा, चिपका हुआ है और उसकी पट्टी भी हो गई। पता नहीं क्या इसने हाथ में मारा है अपने, इतना ज़्यादा पूरा अंदर से ऐसा हो रहा है, पस्सी पड़ गई जैसे। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई हो आप ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं थोड़ी देर सो गई थी और अभी उठी हूँ, बस मुझे अभी कपड़े भी धोने हैं, मशीन लगा लेती हूँ और बस दिखाती हूँ आपको ये अंदर सब सोए हुए हैं। अभी दिखाती हूँ ये कौन सा टाइम का सोया जा रहा है अनुषा। हाँ उठना नहीं है। हाँ क्या देखा जा रहा है? ये पालक कौन है? बचपन में घर छोड़कर भाग गया था वो पिच्चेश्वर। आशीर्वाद ले ले मेरे इंजू किंजू, अब पहले से उसका हाथ ठीक है थोड़ा। ज्यादा से ज्यादा समय ये आश्रम में ही। इंजू किंजू को ऊपर लेकर गई है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा उसके इतना बोल रहा था, तो थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा खुले में रहेगा तो। और बस आज मेरा रोज़ा है, थर्सडे को मैं रोज़ा रखती हूँ, तो बस पकौड़े वकौड़े तो कुछ बनाऊँगी नहीं, कुछ बिल्कुल मन नहीं कर रहा था अलावा कुछ भी खाने को, बस ऐसी सिंपल रोटी खाऊँगी और रोज़ा खोल लूँगी। अब मैंने चिकन बनाया है और इसलिए रेसिपी नहीं दिखाई, वो बार बार दिखा दिखा कर मैं इतनी बोर हो गई हूँ, तो आप कितने बोर हो जाओगे देख देख कर, इसलिए वो मैंने आज बनाई खाने की। तो यहाँ अजान हो गई थी तो फिर मैं अपना रोज़ा अफ्तार कर रही थी, और आप सोच रहे होंगे कि अफ्तारी में और तो कुछ है नहीं, ये सिर्फ क्या रखा है, ये जलेबी है और लौंग है, सिर्फ इसी से रोज़ा खुलता है, इसलिए ये ज़रूरी होता है, मेन चीज़ यही है रोज़ा खोलने की जो मैं रख रही हूँ। तो मैं मन्नत का रोज़ा रख रही हूँ, अब वो सिर्फ लौंग और इसी से जलेबी से ही खुलता है, इसलिए मैंने ये क्लियर कर दिया कि आप सोचेंगे कि कुछ भी नहीं है और सिर्फ यही जो खा रही है मीठा, तो ये रोज़ा इसी से खुलता है। और ये मेरा कढ़ाई चिकन रखा है, रोटी रखी हुई है, तो चलिए हम अपना रोज़ा खोलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। रोज़ा
रोज़ा खोल लिया, खाना खा लिया और मेरी चाय इतनी याद आ रही थी ना मुझे, मेरी चाय बहुत याद आ रही थी, तो मैं अपनी चाय पी रही हूँ। पता है ऐसा लगता है मुझे बिना चाय के पता नहीं क्या चीज़ मुझसे दूर हो गई हो। सबसे पहले मैंने चाय पी रोज़ा खोल कर, और हस्बैंड किससे बात कर रहे हैं, और अनुषा, अनुषा कितनी देर जा रहे हैं। मैंने जिसको बोला वही वो। और बस आज का यही था, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ नूशा, अल्लाह हाफिज़ बोलो, अल्लाह हाफिज़।